मेरे को यार खारकीफ की फोटोज दिखा रही है। ओ माय गॉड, तो ये देख लो भाई खारकीफ का भी फिलहाल सिचुएशन, ये सारे पिक्चर्स दिखा रही है। ये लोगों ने भाई ड्रिंक्स निकाल लिए बैग से अपने, और भाई मेरे को ड्रिंक्स ऑफर करते हैं भाई हमारे कॉमेंट से, और कुछ स्नैक्स लेके आ रहे हैं खरीद कर। मुझे पता नहीं यार ये शायद मेरे से पैसे भी नहीं ले रहे हैं। Right, how it was before. How I feel it. Yeah, it was before. Now it's destroyed. It's all injured. Yeah. ये वाले प्लेस में जब पहली बार लिविव आया था तब यहाँ पे भाई मैंने आप लोगों को वीडियो बनाया था, और जो हमारा ड्राइवर था, ड्राइवर ने हमको यहीं पे छोड़ा था फर्स्ट टाइम जब मैं पोलैंड से यहाँ पे आया था। तो मुझे लगा था कि शायद ये कोई एक मॉन्यूमेंट होगा, बट हमारे भाई बोल रहे हैं कि ये एक्चुअली एक रेलवे स्टेशन है जहाँ से हम लोग अभी खारकीफ के लिए ट्रेन ले रहे हैं। तो दिस इज़ एक्चुअली रेलवे स्टेशन गाइस। इतना इतना ब्यूटीफुल है यार, इतना सुंदर है भाई, क्या बताऊँ। यहाँ पे लिविव में जो आर्किटेक्चर देखोगे आप लोग, आप सही बता रहा हूँ, बहुत ही क्रेजी आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा। इतना सुंदर, आप बस चलोगे तो भाई आपको बस लगेगा कि बस सारा बस देखते रहूँ मैं, तो बस ऊपर ही देखते हुए चल रहा हूँ यहाँ पे लिविव में, मतलब इतने सुंदर सुंदर बिल्डिंग्स हैं। बट यहाँ से भाई हम लोग अभी लिविव से हम अलविदा ले रहे हैं, और वी आर हेडिंग टूवर्ड्स खारकीफ। ये यहाँ पे बहुत सारे बसेस हैं जो अलग अलग सिटीज़ के लिए जा रही हैं। यहाँ पे थोड़ा बहुत कंपनीज़ हैं अलग अलग प्लेसेस के, जहाँ पर अगर आपको बस में जाना है, जो कि यूजुअली काफ़ी लंबा जाता है, यूक्रेन बहुत ही ज़्यादा बड़ा कंट्री है, तो जो जर्नी आपकी भाई 14 से 15 घंटे लगेगी, उसमें भाई आपको 20 से 25 घंटे लग जाएंगे, सिमिलर टू इंडिया ही बोल सकते हो। बहुत ही बड़ा कंट्री है यूक्रेन से बताऊँ तो, द बेस्ट ऑप्शन अभी के टाइम पर तो भाई ट्रेन से है, क्योंकि फ्लाइट तो चल नहीं रही अभी। तो ये है यूक्रेन अभी फिलहाल। तो बाकी भाई यहाँ पे हम लोग आए हैं कबाब के रेस्टोरेंट में यार, यहाँ काफ़ी बढ़िया कबाब मिलता है। हेलो ब्रदर, हाउ आर यू? गुड वन कबाब। यार यहाँ पे स्टेशन है ये रेलवे स्टेशन का, जो मैंने इसके पहले दिखाया आपको, अंदर से भाई देख लो इतना बढ़िया भाई, रॉयल काइंड ऑफ फीलिंग आ रही है भाई यहाँ पे। और यहाँ पे भाई चार्ट लगा हुआ है ट्रेन का, जाओ हम लोगों को पकड़नी है पहली ट्रेन है अभी तो भाई रशिया यूक्रेन में आ गया भाई। हाँ तो पहला है लविव से नीप्रो जा रही है, दूसरी है चेर्निविस्ट, और तीसरी नंबर पे जो फर्स्ट नंबर पे दिख रहा है आपको लविव से खारकीव। हाँ जी, ये वाली ट्रेन पकड़नी है हमको, लेट्स गो। ये ऊपर भाई यूक्रेन का मैप, देखते हैं भाई कैसा रहता है माहौल। खारकीव में जो माहौल होने वाला है वो काफ़ी टेंस होने वाला है मुझे पता है, बट कभी भी जो सेफ्टी प्रिकॉशंस है उसको मद्देनज़र रखते हुए हम भाई ट्रैवल करने वाले। ट्रेन जर्नी कुछ अराउंड 15 घंटे की होने वाली है लविव से, कुछ 6 बजे के अराउंड ट्रेन है हमारी, और कल सुबह 11 से 12 बजे के अराउंड हम पहुंचने वाले हैं खारकीव, बॉर्डर से सबसे नियरेस्ट टाउन है वो। तो ये भाई हमारी देख लो ट्रेन है, ये वाले ऐसे ट्रेन्स को, यूक्रेनियन ट्रेन्स को मैंने इसके पहले यूट्यूब वीडियोज़ में काफ़ी देखा है, जब वॉर शुरू नहीं हुई थी, काफ़ी बड़े बड़े एक्सपीरियंसेस सुनने को मिले ट्रैवलर्स के। इस बार पता नहीं वॉर के टाइम पे कैसा होने वाला है एक्सपीरियंस मेरा। चलो ट्रेन में आपको अगेन आर्मी सोल्जर्स के काफ़ी देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि वो लोग लविव में थोड़ा टाइम रेस्ट करके फिर से जो फ्रंट लाइन है फ्रंट लाइन की तरफ जाते हैं, पर खारकीव जो है वो फ्रंट लाइन में ही आता है। ओके बाय बाय ऑरेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम मैन। ओके बाय बाय बाय। हमने अलविदा दे दिया हमारे ऑरेस्ट भाई को, और अभी भाई हम एंट्री ले रहे हैं हमारे ट्रेन के अंदर। हमारी भाई है कैबिन एक और सीट है 26 है, 24 ये वाला है, और ये है 26। तो ये हमारी भाई ऊपर की सीट है, ये 26 मिली है भाई हमको लास्ट मोमेंट पे मिली है भाई। ये कैसे बुक कराऊँ मेरे को ही पता यार भाई, थोड़े बहुत मेरे को हमारे ट्रैवल मेट्स मिल गए, पर यार इनको यार इंग्लिश नहीं आती, ये भाई यूक्रेनियन और रशियन बात कर रहे हैं तो ट्रांसलेट से बात करना पड़ रहा है। हमारी ट्रेन अब 6 बजे शुरू हो रही है, परफेक्ट टाइम बता दो, 6:20 को शुरू हो रही है, और 11 बजे सुबह कल हम पहुँचेंगे खारकीफ। जो माहौल है वो काफ़ी ज़्यादा बदलने वाला है, ऑफकोर्स जो लविव देखा आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट माहौल देखने को मिल रहा था, काफ़ी सेफ देखने को मिल रहा था, खारकीव जो है वो क्योंकि फ्रंट लाइन में चीज़ें काफ़ी अलग होने वाली है वहाँ पर, और जो माहौल है वो भी काफ़ी अलग होने वाली है। चलो ट्रिप में सबसे बढ़िया चीज़ क्या करी है मैंने यार, मैंने ना काफ़ी लाइट ट्रैवल कर रहा हूँ मैं, और धीरे धीरे जब ट्रैवल करते हो आप सीखते हो कैसे लाइट ट्रैवल करना, ये लाइट ट्रैवल करना भी काफ़ी बड़ा स्किल है। तो मैं बस ये भाई एक शायद 40 लीटर का बैग है ये, और ये छोटा सा बैकपैक है जो लेकर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ।
पहले तो भाई इतना बड़ा बैकपैक लेकर ट्रैवल करता था, इतनी दिक्कत होती थी मेरे को। बट अभी शायद ये कुछ होगा 7 किलो, 7 से 8 किलो, और ये कुछ होगा आई थिंक शायद 10 किलो का बैग। तो गाइस फाइनली हमारी ट्रेन है वो हो चुकी है शुरू। भाई देख सकते हो आप लोग एग्जैक्टली 6:20 को शुरू हुई है, और ये हमारी सीट है। यहाँ पे एक मोहतरमा है, यहाँ पे एक मोहतरमा है, और ये है और एक मोहतरमा जिनके साथ भाई हम ट्रैवल करने वाले हैं। काफ़ी सिमिलर तो लगा मुझे जो रशिया में ट्रेन हम लोग चढ़े थे, बट ये वाला ट्रेन काफ़ी ज़्यादा लग्जरी और काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल लग रहा है। ये जो गद्दा है काफ़ी ज़्यादा मतलब कम्फर्टेबल बोलूँगा मैं। और 2 सीट के ट्रेन हैं, ऊपर वहाँ पर लगेज रखने का प्लेस है, और पता नहीं मेरे को अभी लाइट वगैरह चली क्यों नहीं यहाँ पर, पर वहाँ पे एक और एक जगह है जहाँ पर आप लगेज वगैरह रख सकते हो, चीज़ें वगैरह रख सकते हो। काफ़ी बढ़िया ट्रेन लग रही है यार मेरे को, वाइट कलर की ट्रेन, उसके साथ ब्लू कलर की सीट्स, एंड यहाँ पे थोड़ा बहुत स्पेस रखा हुआ है जहाँ पे आप लोग चिल वगैरह कर सकते हो यार। यहाँ पे भाई कुछ तो पूछ रही है मेरे को। तो भाई हमारी ऐसे भाई बातचीत हो रही है, यू आर गोइंग टू वॉर इन यूक्रेन फॉर द फर्स्ट टाइम। ओ यस 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 यस, इसको भाई। तो भाई ये मेरे को यार खारकीफ की फोटोज दिखा रही है, ओ माय गॉड। तो ये देख लो भाई खारकीफ का भी फिलहाल सिचुएशन, ये सारे पिक्चर्स दिखा रही है ये, और ऐसा भाई फिलहाल भाई माहौल बोल रहे हैं यार। ये देख लो भाई इस खरकीफ। तो ये भाई फ्रंट लाइन है यार, तो ऐसा ही जो माहौल है वो ऐसे ही भाई देखने वाले हम लोग। हेलो, फ्रॉम इंडिया। इंडिया, वेयर फ्रॉम? यूक्रेन। यू आर गोइंग टू खरकीफ? यस। यू? या सेम सेम। यू स्टे इन खरकीफ और यू स्टे इन लविव? एक्चुअली आई लिव इन खरकीफ बट नाउ आई लिव तो भाई ऐसे भाई ट्रांसलेटर से बातचीत करनी पड़ रही है भाई यहाँ पे, क्योंकि भाई इनको इंग्लिश नहीं आती, और इसलिए भाई ट्रांसलेटर से बातचीत करनी पड़ रही है। इंटरनेट चला गया तो भाई हमारा जो बातचीत है वो भी रुक गया अभी। यू आर जूलिया? जूलिया नतालिया, नतालिया। तो इनका नाम जूलिया है, इनका नाम नतालिया है, और ये खरकीफ। खरकीफ तो हम भाई खरकीफ तक जाएंगे, हमारे ऊपर और एक पैसेंजर है पर वो खरकीफ से पहले उतर जाएंगे। कुछ रात के 1 बजे उनका स्टॉप है, तो 1 बजे उतर जाएगी। हम भाई कल सुबह 11 बजे तक हम एक साथ है भाई ट्रैवल कर रहे हैं। हमको जो यहाँ पे यूक्रेनियन ट्रेन में जो रिप्रेजेंटेटिव होती है वो, उन्होंने यार हमको यहाँ पे चाय लिखा के दे दिया। नॉर्मली ये ग्लास जो देख रहे हो आप लोग ये काफ़ी कॉमन है, जो मैंने आप लोग इसके पहले जब मैं रशिया ट्रैवल कर रहा था वहाँ पर भी दिखाया था मैंने आपको। इसके साथ आप चाय वगैरह पीना हो तो आप पी सकते हो, गर्म पानी का इंतज़ाम होता है पीछे। बट बाकी का मैं यहाँ पर पीछे एक शवरमा खा रहा हूँ, शवरमा लिया था मैंने जस्ट टू मेक श्योर कि भाई ट्रेन में कैसा खाना रहेगा। तो अभी भाई बज रहे हैं 8 और शाम के 8 एक्चुअली, एंड अभी भी यहाँ पे भाई देख सकते हो अंधेरा हुआ नहीं, जैसे मैंने इसके पहले कहा था यहाँ पे भाई रात होती है 8:30-9 बजे का अराउंड। अभी थोड़ा जो माहौल तो वेदर थोड़ा डिम लग रहा है, लाइट कम है क्योंकि बारिश का मौसम है यहाँ पे। तो नॉर्मली 9 बजे तक भाई यहाँ पे रात नहीं होती। यहाँ पे आपको गर्म पानी का ऑप्शन मिल जाएगा जहाँ से आप गर्म पानी वगैरह ले सकते हो, जो कॉमन चीज़ जो मैंने हर सोवियत यूनियन ट्रेन में दिखाई है, एक्स सोवियत ऐसी भाई यहाँ पे माहौल होती है। इस तरफ यहाँ पे टॉयलेट है, टॉयलेट दिखा देता हूँ कैसा है। अरे भाई साहब, अरे ले ले ले। बहुत आवाज़ कर रही है, टॉयलेट खुल नहीं रहा, पता नहीं क्यों खुल रहा है, आई थिंक कोई होगा अभी। और यहाँ से भाई भाई साहब यार रशियन ट्रेन की याद आ रही है देख के, सही बता रहा हूँ। तो ये भाई देख लो यहाँ पे टॉयलेट ऐसा भाई, यहाँ पे वॉशरूम है, काफ़ी क्लीन लग रहा है, कोई एज सच दिक्कत है नहीं। रशियन ट्रेन नॉर्मल यार। हेलो आई कान वॉशरूम कोई इशू क्रिएट कर दिया था। तो बाकी का ये यहाँ पे भाई वॉशरूम है, यहाँ पे एक वेस्टर्न टॉयलेट मिल जाती है, यहाँ पे एक बेसिन मिल जाती है, मिरर मिल जाता है कि काफ़ी साफ़ सफाई मेंटेन की गई है यहाँ पे। ऐसा वो वैसे दिक्कत आती नहीं है आपको, नॉर्मल इसके रशियन ट्रेन में भी जो साफ़ सफाई होती है मेंटेन रहती है, और
ये भाई पूरा ट्रेन है एक्चुअली हमारी आखिरी बोगी है, इसके बाद ये जो है इंजन है आगे, तो फर्स्ट बोगी हमारी है भाई। भाई अभी हमारे पास करने को है नहीं, बाहर हो रही है बारिश, इतनी खतरनाक बारिश हो रही है, देख सकते हो भाई आप लोग, पूरा भाई काइंड ऑफ तूफान टाइप आ रखा है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे जितने भी सोवियत ट्रेन से आप लोगों ने देखा होगा, लोगों ने भाई ड्रिंक्स निकाल लिए बैग से अपने, और भाई मेरे को ड्रिंक्स ऑफर करते हैं भाई, मैं तो पीता नहीं हूँ भाई, तो मेरे को भाई उन्होंने कोक दे दिया, तो कोक पी रहा हूँ मैं और ये लोग भाई ड्रिंक पी रहे हैं भाई। यहाँ पे रशिया में और जितने भी ये सोवियत यूनियन के कंट्रीज है यार, यहाँ पे ट्रेनों में पीने का बड़ा शौक होता है यार, यहाँ पे ट्रेन में ले आते हैं, हमारे इंडिया में तो अलाउड नहीं है, इलीगल है हमारे इंडिया में, पर यहाँ पे यार मजे करके भाई ट्रैवल करते हैं। यार तो अभी भाई हम जा रहे हैं सोने के लिए, बट प्रॉब्लम क्या आई है, यहाँ पे बढ़िया ही है, मतलब हेड स्पेस तो बढ़िया ही है, बट ये बार बार भाई सर पे लग रहा है, और बाकी यार भाई यहाँ पे समझ नहीं आ रहा यार, यहाँ पे एसी नहीं चलाया यार, अब मेरे को लग रहा था शाम शायद शुरू हुई है ट्रेन, इसलिए शायद एसी नहीं चलाया, बट यहाँ पे एसी नहीं चल रही, इतनी गर्मी लग रही है यार, सभी को पसीने आ रहे हैं। ये सारे नीचे जो लड़कियाँ बैठी थी वो भाई मस्त पी के भाई लेट गई हैं सारे, देख सकते हो आप लोग, बट जो भी है हम तो भाई सोवर हैं, तो हम तो अभी सोने जाएंगे नॉर्मली। भाई वेरी गुड मॉर्निंग यार, आज है हमारा दूसरा दिन हमारे इस यूक्रेनियन ट्रेन में, जो हमने शुरू करा था लवीव में, और हम अभी ख़त्म करने वाला, दो तीन घंटे में हम खारकीव पहुंचेंगे। अभी टाइम हो रहा है कुछ यार, अभी टाइम हो रहा है 9 बज रहे हैं, 8:53 हो रहे हैं अभी सुबह के, और आई थिंक 2 घंटा है, 2 घंटा और हमको ट्रेन में बैठे रहना है। अभी मैं सो के उठा, फ्रेश अप वगैरह हुआ, और यहाँ पे जो हमारे कोमेट्स हैं, जो को ट्रैवलर्स हैं, उन्होंने यार मेरे को कॉफ़ी बना के दिया, ये देख लो भाई कॉफ़ी, ये देख लो। कल रात को हम लोग ट्रांसलेट के थ्रू भाई, हमारी बातचीत के थ्रू हमारी दोस्ती जो है अच्छी बढ़िया हो चुकी है, तो उस हिसाब से अभी जो हॉस्पिटैलिटी है वो देखने को मिल रही है। ये बार देख लो यार, पूरा यार सनफ्लावर की खेत है यहाँ पे, और यूक्रेन में जैसे मैंने एंटर करा था यार, जब मैं बॉर्डर पर क्रॉस कर रहा था, सारे ये सनफ्लावर की खेत आपको काफ़ी देखने को मिल जाते हैं, और जैसे आप ट्रेन जर्नी करोगे तो ट्रेन जर्नी के दौरान भी आप लोग काफ़ी सारे ऐसे सनफ्लावर के जितने भी खेत वगैरह हैं वो देखने को मिल जाते हैं, इतना सुंदर लगता है ना यार देखने को। मैंने इसके पहले इतना ब्राइट सनफ्लावर का खेत मैंने इसके पहले कहीं नहीं देखा, आई थिंक जो यूक्रेन है वो सनफ्लावर के लिए भी काफ़ी मशहूर है यहाँ पे, इसलिए जो ऑयल है यहाँ पे कुकिंग ऑयल का भी यहाँ पे यूक्रेन में काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, आई थिंक हम इंडिया से भी शायद यहीं से हम कुकिंग ऑयल लेते हैं, आई एम नॉट रियली श्योर, पर काफ़ी बढ़िया सनफ्लावर के खेत देखने मिल जाते हैं आपको। हमारे कोमेट से और कुछ स्नैक्स लेके आ रहे हैं खरीद कर, मुझे पता नहीं आ रही, ये शायद मेरे से पैसे भी नहीं ले रही है। यू ब्रिंग दिस फ्रॉम देयर फ्रॉम द कैबिन, यू बाय द टी कॉफी ऑल यार, तो खरीद के ला रहे हैं यार, ये मेरे को लगा था शायद इनके पास ही होगा सब कुछ, ये शायद मुझे दे रहे हैं यार, तो ख़राब चीज़ हो गया यार। हाँ जी मैंने सही समझा, यहाँ पे तो जितने भी मेरे को पैसेंजर्स है वो यहाँ पे पीछे से चीज़ें वो खरीद रहे हैं, चाय स्नैक जितना भी, क्योंकि यहाँ पे रेस्टोरेंट नहीं है, तो यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव है वो यहाँ पे चीज़ें बेच रहे हैं। एंड आप मैंने उनको बोला कि यार मेरे से पैसे ले लो, आप तो खरीद रहे हो, कहते हैं नहीं पैसे की जरूरत नहीं है, इट्स ए गिफ्ट, ऐसे करके ही हो गया। तो ये हमारे भाई हैं, योर नेम इज दिमित्री, दिमित्री भाई हमको यहाँ पे ट्रेन में मिले हैं, एक्चुअली इनको इंग्लिश आती है, एंड दैट इज़ द रीज़न आई एम कमिंग हियर ऑल द टाइम, बिकॉज ही नोज इंग्लिश एंड वी कैन कम्युनिकेट, बैक इन माई कंपार्टमेंट गर्ल्स डोंट नो इंग्लिश, दे आर प्रीटी, it's better if I were you, if I were in your age language is not a barrier, not the point of choice, occasion, I would be there actually, but don't waste okay. your time okay so how do you think, you are from Kharkiv, yeah? Yes. How is everything in Kharkiv, do you think everything is sad okay sad. All these people are from Kharkiv. Yes, all you are from Kharkiv. Yes. Do you think I should be scared or it should be fine for me? Well, you'd be interested. Interesting. Because you don't have, you know, previous history. Mm-hmm. You didn't see the city before the war. Yeah. For example, I remember this building. You know, uh-huh. I remember like how it was before. How I feel it. Yeah, it was before. Now it's destroyed. It's all injured. Yeah. Yes, and it makes me sad. Right. I remember this
crowded people, crowded streets, a lot of people there. Now they all are empty. Yeah. Now I remember smiling faces. Yeah. Now, you know, they're all concerned. Yeah. चीज़ें हैं वो ऑफ कोर्स जो लोकल है वही समझ सकता है. मैं तो जैसे मैंने बताया कि यार मैं तो बस ऊपर ऊपर से आपको दिखा सकता हूँ, बट जो रियल एक्सपीरियंस है वो स्टार्टिंग ऑफ द टाइम पे जितने भी लोकल लोग थे उन्होंने एक्सपीरियंस कर दिया. द प्रॉब्लम, द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज खारकी वेस, जो बड़े शहर से जो दूर शहर हैं थोड़े बहुत, जैसे कीव हो गया, लवीव हो गया, यहाँ ये बहुत दूर हैं जो फ्रंट लाइन है वहाँ से, तो इनके पास काफ़ी टाइम होता है अपने आप को बचाने का. बट खारकीव के पास कुछ भी टाइम नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल एक मिसाइल जा रही है अगर रशियन कंट्री साइड से, तो इनके पास लिटरली टाइम नहीं होता अपने आप को सेव करना, एंड दैट इज़ द रीज़न बहुत सारी कैजुअलिटीज देखने को मिलती है खारकीव रीजन में. तो यार यहाँ पे प्रोटीन बार और कॉफ़ी के बाद भाई इन्होंने मेरे को चाय दे दिया यहाँ पे. तो जर्नी होती है ट्रेन की यहाँ पे यूक्रेन में, ऐसी आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेगी कि ऑथेंटिक यूक्रेनियन रेलवेज की कप, और कप में हमारे जो को पैसेंजर्स है वो भाई हमको कुछ ना कुछ देते ही रह रहे हैं, मतलब जो सफ़र है जिससे कि वो चलता रहे बढ़िया तरीके से. बट बाकी का जो भी कुछ है यार, हम जितना भी इंजॉय कर रहे हैं हमको ये भी समझना पड़ेगा कि ये शायद ये लोग बोल सकते हो कि इतना रेसिस्ट करने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें गो थ्रू करा है यहाँ के लोगों ने, स्पेशली जो खारकीव के लोग हैं, ये सारे लोग खारकीव के लोग हैं, रेसिडेंट हैं. और कल जैसे इन्होंने मुझे अपने घरों के पिक्चर्स दिखाए कि सारा तबाह हो चुका है, मतलब मतलब बहुत सारा डिवास्टेशन एंड जितने वो डिस्ट्रक्शन के पिक्चर्स दिखाए इन्होंने, ये सारा उनका घर है, उनका 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 एरिया है, उनका इलाका है. इतना सब होने के बावजूद इतने हंसते खिलते लोग यहाँ पे मुझे इतना बढ़िया ट्रीट कर रहे हैं, यही चीज़ है जो यूक्रेन को इतना ज़्यादा स्पेशल बनाया थी. गाइस सही बता रहा हूँ, यहाँ के लोग इतने ज़्यादा फाइटिंग स्पिरिट के लोग हैं जितना भी मैंने अभी तक एक्सपीरियंस करा है. सभी लोग जितना भी कुछ हुआ है सभी को भूल कर जो अपनी लाइफ है वो नॉर्मल जीना चाहते हैं. जैसे भाई कल एक काफ़ी बढ़िया इंसिडेंट मैं बताता हूँ. कल जब मैं औरज भाई से घूम रहा था, औरज भाई के साथ घूम रहा था, वो बता रहे थे कि यार आजकल तो कोई सायरन सुन भी नहीं रहा क्योंकि वो इतने यूज्ड हो चुके हैं लास्ट के एक साल में, इतना सुन लिया है उन्होंने तो वो यूज्ड हो जाएगा, उनको पता है कि यार जो होगा देखा जाएगा, अपना लाइफ इन्जॉय करते हैं. तो उस हिसाब से सारे लोग फ़िलहाल अभी यूक्रेन में जी रहे हैं, और सारे लोग अभी फ़िलहाल यहाँ पर देख सकते हो ये लोग अपने घर जा रहे हैं. मैं तो यार आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ कि यार कैसा है माहौल वहाँ पर, शायद एक या दो दिन रह कर फिर मैं दूसरी जगह शिफ्ट हो जाऊँगा. बट वहाँ उनको कोई जो मेरे साथ जो को पैसेंजर्स हैं उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उनको वहीं रहना है. तो अभी हम लोग भाई टुवर्ड्स द एंड आ ही चुके हैं, कुछ आधे घंटे में हमारी जो जर्नी वो ख़त्म होने वाली है. तो ये हमारे को पैसेंजर्स है जो अभी रेडी हो चुके हैं क्योंकि हम भाई फाइनल डेस्टिनेशन पहुंच चुके हैं. और बाकी का ये हमारी जर्नी थी, काफ़ी मज़ा आया इनके साथ ट्रैवल कर कर, काफ़ी ज़्यादा खातिरदारी करी है. थैंक यू सो मच डकू यू. तो फाइनली यार अभी हम खारकीव एंटर किए हैं, देख सकते हो यार यहाँ पे स्टेशन, और यहाँ पे भाई हम लोगों ने अपना बैग कर लिया है, और अभी भाई हम निकल रहे हैं. और से बता रहा हूँ मेरे जो को पैसेंजर्स थे वो लोग इतने एक्साइटेड हो गए कि भाई फाइनली खारकीव पहुँच गए. काफ़ी दिनों के बाद जा रहे हैं ये लोग, कुछ अराउंड आई थिंक बोल सकते हो एक महीने के बाद ये लोग यूरोप में थे. यूरोप में थोड़ा टाइम रहने के बाद क्योंकि खारकीव में थोड़ा सा माहौल थोड़ा साइलेंट होने के बाद फिर अभी वापस जा रहे हैं सारे लोग. ये लोग ये देखो भाई सारे लोग यार मस्त फ़ोन वोन लेकर रिकॉर्ड कर रहे हैं सारे लोग यार. ये सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं अपने फैमिली मेम्बर्स लोग का. हेलो हेलो हेलो. तो देखो यार इनका एक फ्रेंड है, फूल लेके आया यार इनके लिए. बहुत सारे लोग यूरोप में थे जब ये सारा जितना भी वॉर शुरू हुआ था, एंड यूरोप से अभी जितने भी लोग हैं, कोई जर्मनी से आ रहा है, कोई पोलैंड से आ रहा है, तो सारे अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज से वापस अपने घर आ रहे हैं यहाँ पे खारकीव में. तो इसलिए सारे लोगों को मस्त एकदम फुल वूल से मतलब इनवाइट मतलब स्वागत कर रहे हैं. कितना स्वीट है यार ये, देखो उसका फ्रेंड है, फूल लेके आया यार यहाँ पे रेलवे स्टेशन में. आई कांट बिलीव खारकीव पहुँच गया यार मैं. आई थिंक शायद एक हफ्ते पहले जब मैं इंडिया में था कभी सोच भी नहीं सकता था कि कभी खारकीव भी कभी मैं आऊँगा या फिर कभी आने का सोचूंगा, क्योंकि खारकीव एक्चुअली फ्रंट लाइन में आता है. ओ वाह. तो ये भाई माहौल यहाँ पे स्टेशन के बाहर का देख सकते हो आप लोग, ऐसा भाई है फ्रंट लाइन खारकीव के स्टेशन का माहौल. ये सेंटर में आता होगा ऑफकोर्स,
तो यहाँ पे माहौल तो काफ़ी बढ़िया लग रही है यार मेरे को, देख सकते हो आप लोग, सारे लोग अलग अलग जगह से आ रहे हैं ट्रेन स्टेशन से। और अभी हम निकल रहे हैं भाई टैक्सी की तरफ जहाँ पर मेरा फ्रेंड मिलेगा मेरे को। खारकीफ में अभी रेलवे स्टेशन निकले हैं और ये हमको टैक्सी जो है, ये हमारे जो कोमेट्स थे जो को ट्रैवलर्स, उन्होंने हेल्प करा मेरे को टैक्सी ढूंढने के लिए। तो यहाँ से अभी मैं फिलहाल मेरे फ्रेंड के पास जा रहा हूँ। तो ये भाई मेरा फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ खारकीफ बोल सकते हो आप लोग। ये सेंटर की तरफ माहौल कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है आपको।